साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में हम भोजपुरी भाषा के महान लेखक, कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर के बारे में एक वार्ता को प्रस्तुत कर रहा हूं। और आशा है आप सबको ये वार्ता पसंद आएगी। मित्रों, भोजपुरी हमारे देश की प्रमुख लोक भाषाओं में है और ये लोक भाषा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ये बोली जाती है और इस भाषा का प्रचलन दुनिया के कई और देशों में भी है, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत से जो लोग त्रिनिदाद, मॉरिशस, फिजी, इन सब देशों में जो प्रवासी वहाँ खेत मजदूर के रूप में ब्रिटिश जमींदारों के साथ काम करने के लिए वहाँ गए, तो फिर ये भाषा का प्रचार प्रसार उन देशों में भी हुआ और आज भी ये भाषा वहाँ के लोगों में प्रचलित है, वहाँ बोली और समझी जाती है। तो भोजपुरी एक बहुत ही सुंदर लोक भाषा है और हिंदी की लोक भाषाओं में इसका स्थान प्राप्त है। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं पूर्वी हिंदी, उनमें भोजपुरी को भी रखा गया है और भोजपुरी बंगाल में भी खूब बोली जाती है, क्योंकि भोजपुर अंचल से काफी संख्या में ब्रिटिश काल के दौरान बिहार से मजदूरों का जो है प्रवासन बंगाल में भी हुआ था। तो बंगाल में भी बहुत बड़ी संख्या में आपको बिहार के भोजपुरी भाषी लोग जो हैं वो वहाँ आपको दिखाई देंगे। इस तरह से भोजपुरी भाषा जो है वो एक बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा है और इसी भाषा के महान लेखक हैं भोजपुरी ठाकुर, महान कवि हैं, महान नाटककार हैं, संगीतकार हैं, अभिनेता हैं, बहुमुखी प्रतिभा के इस विराट व्यक्तित्व का जन्म भोजपुर अंचल में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है, शायद 1887 ईस्वी के आसपास में इनका जन्म हुआ है और सन 1971 ईस्वी तक 10 जुलाई 1971 को इनका देहांत हुआ है। तो इस तरह से एक सुदीर्घ जीवन भिखारी ठाकुर को मिला और इस दौरान खासतौर पर जब वो युवा हो गए तो उनके अंदर जो एक नैसर्गिक प्रतिभा थी नाट्य लेखन की, तो इन्होंने ढेर सारे नाटकों को लिखा और बाद में अपनी एक रंग टोली, एक नाट्य टोली भी इन्होंने बनाई और उस नाट्य टोली में गांव के कलाकार सब जो थे वो होते थे, रहते थे अभिनेता के रूप में। और इन्होंने अपनी रंग टोली के माध्यम से भोजपुर भाषी क्षेत्र में घूम घूम करके नाटकों का मंचन किया और इनके नाटक सब जो हैं वो खूब लोकप्रिय हुए। खास तौर पर विदेशिया नाटक जो है वो तो खूब लोकप्रिय हुआ। विदेशिया नाटक में उन्होंने गांव के लोगों की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, प्रवास से जुड़ी हुई, विस्थापन से जुड़ी हुई जो पीड़ा है उसको उन्होंने चित्रित किया है और सामाजिक धरातल पर पारिवारिक जीवन की जो विसंगतियां हैं, पति और पत्नी का प्रेम और पति का विदेश चला जाना, प्रदेश चला जाना, परदेश चला जाना और फिर परदेश में जाकर वहां भटक जाना, तो इन सब सारी समस्याओं को उन्होंने विदेशिया नाटक में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने उसको उठाया है और ये भारत की एक बहुत ही प्रमुख रंग शैली भी बन गई है। विदेशिया जो है वो समकालीन हिंदी रंगमंच की एक शैली के रूप में भी इसको जाना जाता है और प्रसिद्ध रंगकर्मी नाट्य निर्देशक संजय उपाध्याय ने विदेशिया शैली में कई उत्कृष्ट नाटकों का मंचन भी किया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी विदेशिया शैली में नाटकों का प्रदर्शन करता रहा है और एक लोक शैली के रूप में ही विदेशिया को अब मान्यता मिल चुकी है। भिखारी ठाकुर अभिनेता भी थे, अपने नाटकों में वो खुद ही अभिनय किया करते थे और खुद ही गाते भी थे और प्रमुख गायक हुआ करते थे। अपने नाटकों के प्रमुख अभिनेता, प्रमुख गायक, निर्देशक, संगीतकार
विलक्षण प्रतिभा के ये कलाकार थे और इनके जो और दूसरे नाटक हैं उनमें गंगा स्नान, बेटी बेचुआ और गोबर घी चोर, तो ये सब नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उनमें उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का जो ग्रामीण भारतीय समाज है उस समाज में जो सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी, सूदखोरी की प्रथा, जाति प्रथा, शोषण उत्पीड़न और अनमेल विवाह और नारियों की जो समस्याएं थी, अन्य प्रकार की समस्याएं, उन सब का उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उन तक प्रहार किया है बहुत प्रभावशाली ढंग से। और इस तरह से वो एक युग निर्माता भी थे। उन्होंने महात्मा गांधी का जो सामाजिक आंदोलन था उस दौर में, तो एक तरह से भोजपुर भाषी क्षेत्र में वो महात्मा गांधी के संदेशों को लेकर सामाजिक जागृति को कायम कर रहे थे और वो एक तरह से लोकनायक थे। सभी धर्मों और जातियों के लोगों ने, भोजपुरी भाषी अंचल के सारे लोगों ने एक ग्रामीण कलाकार के रूप में भिखारी ठाकुर को अपने हृदय में स्थान दिया और अपनी आंखों में उन्होंने उनको बसाया। भिखारी ठाकुर के गीत आज भी बिहार के गांवों में गाए जाते हैं और उनमें जीवन की समस्त जो भावनाएं हो सकती हैं, चाहे वो जन्म का प्रसंग हो या मृत्यु का प्रसंग हो, पारिवारिक संस्कार गीत वगैरह सब जो हैं, उन्होंने उन गीतों को भी नए सिरे से लिखा। और शादी विवाह के मौके पर, मृत्यु के मौके पर, श्राद्ध के मौके पर उनके गाए गीत सब जो हैं वो हमारे मन को विविध भावों से आज भी रंग देते हैं। कौने खोतवा में समय लू अहिरे बालम चिंगरी, चिंगरी मतलब चिड़िया, ये उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें वो आत्मा को कह रहे हैं, किसी दिवंगत आत्मा को संबोधित करते हुए एक श्राद्ध गीत है कि तुम हे आत्मा, वो आत्मा तुम कहाँ जाकर समा गई हो, हम लोग तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम अब इस घर से चली गई हो। और ये एक इतना सुंदर करुण गीत है जिसको सुनकर आंखों में आंसू भर आते हैं। आज भी बिहार के गांव में श्राद्ध के मौके पर उनका ये गीत जो है वो खूब गाया जाता है। कौने खुतवा में समय लू अहिरे बालम चिनरी, कौने खुतवा में समय लू अहिरे बालम चिनरी। यानी कि ओ प्रिय चिड़िया, तुम किस खोते में, किस घोंसले में जाकर तुम छिप गई हो, समा गई हो, ओ मेरी प्रिय चिड़िया। तो ये बहुत ही सुंदर गीत है जो हमारे मन को बहुत ही करुण भावों से, प्रेम के भावों से भर देता है। और दिवंगत लोग सब जो हमारे हैं, परिवार के, घर के और समाज के, तो उनकी याद ये गीत हमें दिलाता है। वैसे ही विदेशिया नाटक के गीत सब जो हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं। भिखारी ठाकुर के नाटक संगीत प्रधान होते थे और भाव प्रधान होते थे। विदेशिया के गीत सब जो हैं, विदेशिया जो है गांव का एक युवक है जो गांव को छोड़कर चला गया है कलकत्ता, और वहां से लंबे समय के बाद भी वो नहीं लौट कर आ पा रहा है। गांव में उसकी जो पत्नी है प्यारी सुंदरी, वो बहुत परेशान है, वियोग की दशा में है वो, और कुछ उसका पता नहीं चल रहा है विदेशिया का। अंत में अपने देवर को भेजती है वो कलकत्ता पता करने के लिए। और ये सब सारे प्रसंग सब जो हैं संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से इतनी सजीवता से विदेशिया नाटक में चित्रित हुए हैं कि वो हमारी चेतना का एक हिस्सा बन जाता है। चाबत हुई है मगही तनवा ए सजनी,
यानी कि जो प्यारी सुंदरी है विदिशा की पत्नी, वो अपनी सहेली को बता रही है कि हम लोग तो यहाँ पर दुख में हैं, लेकिन जो पति महोदय हैं वो तो शहर में सुखी ही होंगे, मघी पान खाते होंगे और वहां रास रंग में लिप्त होंगे, घर द्वार को बस उन्होंने भुला दिया है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर नाटक सब है भिखारी ठाकुर के, और बिहार भोजपुरी अकादमी ने उनके समस्त साहित्य को प्रकाशित भी किया है भिखारी ठाकुर ग्रंथावली के नाम से। और भोजपुरी भाषा जो है अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भी एक विषय के रूप में इसकी पढ़ाई हो रही है। बिहार के जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र सब जो है वहाँ जो विश्वविद्यालय है उनमें तो भोजपुरी भाषा की पढ़ाई होती ही है, और मॉरिशस वगैरह में भी, फिजी में भी, त्रिनिदाद में भी, यहाँ पर भी भोजपुरी भाषा की पढ़ाई हो रही है। और भोजपुरी साहित्य जो है उसके सबसे प्रमुख लेखक हैं भिखारी ठाकुर, और भारत के महान लेखकों में खासतौर से जो लोक पृष्ठभूमि है, लोक भाषाओं का जो साहित्य है उससे उभर कर आने वाले जो लेखक हैं उनमें भिखारी ठाकुर का स्थान अग्रणी है। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, तो दोस्तों आइए आज हम उनके चरणों में, उनकी स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित करें और महान कलाकार की आत्मा को, आत्मा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेंगे।